जी व्यूअर्स, देख लीजिए मेरी इफ्तार। ये मेरे लिए पकोड़े, हरी मिर्चें, थोड़े से आलू जो फ्राई किए थे, पापड़ हैं, और ये तमाम फ्रोज़न आर्टिकल्स हैं जो जुनेद के हैं, वॉन्टन और चिकन समोसा वगैरह जो भी कुछ है। और ये यम्मी सी जो चना पुलाव आपको बिरयानी नज़र आ रही है, ये हमारे नेबर्स के यहाँ से आई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़े से पहले। दाना आ चुका है बच्चों का। भर के डालने, खाली पड़ा है, आ जाएंगे अभी। देखें जी व्यूअर्स, देख लीजिए मैं आज आपको दिखाती हूँ आज मैंने क्या क्या बनाया है। आज मैंने जुनेद की फरमाइश पे कुछ आर्टिकल्स जो कि समझने वाले सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत चाहने वाले, उन्होंने फ्रोज़न आइटम भेजे थे वो मैंने जुनेद के लिए फ्राई भी किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हुआ जाता है दुआओं का टाइम, 6:42 हो चुके हैं, थोड़ी देर में इफ्तार हो जाएगा। बस ये दुआओं के सिलसिला है, आज अशरा मगफरत का आखिरी दिन है, ख़त्म हो गया। अगले साल हम हैं, हम में से कौन है कौन नहीं ये अल्लाह जानता है। आने वाले दिन जो है तीसरा और आखिरी अशरा रमज़ान का शुरू हो जाएगा। आज खैर से अल्हम्दुलिल्लाह पहली ताक रात भी है, कल यौम अली भी है, और बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और स्पेशली मेरे फादर को, बिकॉज कल उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। सो बस उसके अलावा दुआ यही है कि अल्लाह पाक सबके साथ बहुत सारी आफियत वाला मामला करे, सबकी मुश्किलात दूर करे, और जिसकी जो भी दिली हाजात है अल्लाह पाक उसे अपने बारगाह इलाही में आज के दिन के सदके कबूल व मकबूल फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जुनेद ने भी आज बहुत सारे काम निपटाए हैं, मिर्चें फ्राई करने वाली का मसाला भरा है, और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। दुआ का सिलसिला है, दुआ का बोल दीजिए लोगों से। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियां फरमाए, आमीन। हम सबके लिए अल्लाह पाक आसानियां फरमाए, बहुत मुश्किल वक्त है ये, दूर फरमाए, मुश्किलात दूर फरमाए, परेशानियों की परेशानियां दूर फरमाए, बीमारों को शफाओं का मिला था फरमाए, आमीन। और सबका अच्छे और मुखलिस लोगों से और हुक्मरानों से वास्ता डाले पाकिस्तान का, आमीन सुमा में। चलिए व्यूअर्स, मैं आपको इफ्तार दिखाती हूँ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर्स, देख लीजिए ये मेरी इफ्तार। ये मेरे लिए पकोड़े, हरी मिर्चें, थोड़े से आलू जो फ्राई किए थे, पापड़ हैं, और ये तमाम फ्रोज़न आर्टिकल्स हैं जो जुनेद के हैं, वॉन्टन और चिकन समोसा वगैरह जो भी कुछ है। और ये यम्मी सी जो चना पुलाव आपको बिरयानी नज़र आ रही है, ये हमारे नेबर्स के से आई है अल्हम्दुलिल्लाह अभी रोज़े से पहले। अल्लाह पाक बहुत सारी बरकतें, और उसके अलावा ये थोड़ा सा फ्रूट अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, दो अर्शे कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरे अशरे का पहला रोज़ा शुरू हो चुका है, होप सो सब लोग सहरी के लिए बैठ चुके होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत की होगी सबने आज, जो है कल की रात जो थी, सॉरी वो ताख रात थी, और हमने भी इबादत की थोड़ी बहुत, लेकिन बतानी नहीं कितनी की है। तो मिलते हैं सनोबर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। 20 दिन में जहाँ मिली मैं आज भी वहीं मिलूंगी आपको, यही हमारी रूटीन है, वही किचन का एक कोना और चूल्हे के आगे बैठ के 2 पराठे 3 पराठे बनाने के। ओ, पराठे और चाय भी रेडी है, सहरी हमारी रेडी है, यही अल्हम्दुलिल्लाह 20 दिन तक हमारी रूटीन रही है, और यह है कि आने वाले दिनों में भी रहेगी। और आज खैर से बड़ी रात थी, जितनी इबादत हो सकी देखते तीसरा अशरा आ गया, तीसरा अशरा निजात शुरू हो चुका है। सो व्यूअर्स, ताक रातों में जब भी इबादत के लिए बैठे बहुत सारी दुआएं हमारे लिए करेगा, प्लीज 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 काइंडली सपोर्ट हमारे चैनल को प्लीज। चाय रेडी, ठीक है, मुझे चाय चाहिए, चाय बेहतरीन है, थोड़ी सी इसको वैसे ही लाया, इसको इधर ही रख दो। हाँ रख दो, कोई मसला नहीं, वॉश हो जाएगा। दूध सादा डाल दिया आप? ना, आपकी तरह हिलाया बिल्कुल फिर रखा। सही है,
सही है। चले आप जब तक ये देखें, मैं ये सामान रख के आती हूँ। मैं ये रख के जाती हूँ, सामान रखते हैं। सब जानते हैं आज 20 रोजे तक जो काम जुनैद ने किया वो जुनैद ही करेंगे। 21वें रोजे को भी, यानी चाय निकालना मुश्किल काम। और ये जुनैद ने पोजीशन संभाल ली अपनी। ऐसा है कि मुझे ना थोड़ी चाय का आइडिया है। शहरी में हम लोग थोड़ी ज्यादा लेते हैं, तो उसका आइडिया जुनैद को है। हाँ। ये कितनी पकी है कितनी नहीं। होटल में काम किया है ना मैंने चाय। कौन से होटल, आपने क्या क्या काम किया है? पहले ही होटल में हुआ था। वैसे एक बात है, माशाल्लाह हेयर कटिंग के बाद आपका लुक निकल के आ गया। जो छोटा सा मुंह है ना वो बाहर आ गया भाई। आगे का सोच के चलना पड़ता है, यानी बड़ा मुंह और छोटा मुंह जो होता है वो आगे का सोचना होता है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं तो उस लिहाज से बोल रहा हूँ कि 9 दिन बाद जो है ना पैसे डबल हो जाएंगे। सीधी बात है, हम तो ऐसे सोच के चलते हैं कि जहाँ दो पैसे। उनके लिए भी ईद है, वो लोग तो पूरे साल ईद मनाते हैं। तो नाइयों की ईद होती है। चलिए जी, सही करते हैं आपको फिर मिलते हैं। हाँ। तो अपनी कटिंग वगैरह अभी से करा के रख ले, बहुत ज्यादा छोटे करा ले, ताकि जो है ना आगे आपकी भी दो पैसे की बचत हो। क्योंकि रेट जो है ना वैसे ही बहुत हाई फाई चल रहे हैं। चलिए चलिए, इमाम साहब कह रहे हैं पहले सही कर लीजिए। पीठ दिखा के व्लॉग बनाते हैं। ओ, और मैं ये पराठे लेके जा रही हूँ, और जुनैद ऐसे यूजुअल चाय लेकर आ। चलिए जी, चलिए सैरी करते हैं। ये हमारी सैरी जो आने वाले 20 दिन तक रही और अभी भी रहेगी। लेकिन ये पता है कि व्यूअर्स ये याद रखें कि जितनी लाइट सहरी लेते हैं ना उतना रोजा जो है ना, रोजा बोल रही हूँ, मेरी जबान क्यों पलटने लग गई है? कोई बुराई करता होगा। वो जो है क्या कहते हैं, सैड रहता है रोजा उससे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सही बोल रही हो ना, वरना हमारा भी दिल चाहता है कभी हलवा पूरी खाए। लोग बिरयानी खा रहे। हाँ, हमने रात में सुना है, मैंने देखा है, वो दिखा रहे कि शहरी में वो बाहर की और उसमें टिक्के शिक्के खा रहे हैं, ऐसा भी लोग खाते। हाँ, बहुत से लोगों एक होती है उनकी हैबिचुअल, उनकी वो आदत जैसी होती है, हम लोग नहीं खा सकते। लोग अगर किसी को वो करने के लिए कर रहे हो यार, तो गलत है, आप अपनी शहरी नहीं दिखाओ ऐसी। अरे सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं व्यूवर्स, मैंने रात में वो जो आपको कल इफ्तार की बिरयानी आप अभी व्लॉग में देख चुके होंगे ना, लाई वाले व्लॉग में, तो आप देख के, वो मैंने सिर्फ थोड़ी सी खाई है तकरीबन 9:30 बजे। वो ऐसा लग रहा है अभी तक मेरा जो है ना हैवी सा है। बस हमारे नेबर्स के से जो आई थी, हाँ बहुत टेस्टी थी। चलिए हम सैरी कर लें अब। अल्हम्दुलिल्लाह सैरी हो चुकी है और टाइम हो रहा है इस वक्त 4:38, यानी थोड़ा सा टाइम रह गया। पानी वगैरह पीते हैं और उसके बाद जो है जो सहरी की दुआएं वो नियत करते हैं और फिर नियत करेंगे, यानी पहले जो सहरी के बीच में दुआ पढ़ी जाती है वो भी पढ़ लेते हैं। जो दुआएं हैं आज ताक रहती है, अल्लाह पाक उस इबादत को अपने बारगाह इलाही में कबूल व मकबूल फरमाए। और आज मेरे बाबा की डेथ एनिवर्सरी भी है, 15 साल गुजर चुके हैं, 15 या 16 साल। कन्फर्म इसलिए नहीं है कि मेरे लिए कल जैसी बात लगती है। वेल, असली लास्ट जो पानी पीते हैं सहरी से पहले, उसके बाद दुआएं करनी है और नियत करनी है सहरी की, वो मैं कर चुकी हूँ। और देख लीजिए अभी 4:48 हुए हैं और जुनैद आ चुके हैं वजू करके, और अब जुनैद के लिए जो पानी निकाला है जुनैद पानी पियेंगे और जुनैद भी फिर नियत कर देंगे। और यहाँ मैं जुनैद को कन्फर्म कर रही हूँ कि आज सहरी का टाइम 4:53 है और 4:50 हो रहे हैं, और इस वक्त दोपहर के देख लीजिए 1:30 हुए हैं, और इतनी शदीद धूप में दोपहर में जिन्हें जो है पानी पूल कर रहे हैं, और मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, अल्लाह से ही लो लगाई हुई, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि कोई ज़रिया बन जाए कि पानी खींचने की मोटर का भी इंतज़ाम इंशाल्लाह हो ही जाएगा जहाँ इतने काम हो चुके हैं। और
ये चादरें और पर्दे देखें हमने किस तरीके से बांधे हैं ताकि सहन में धूप का जोर थोड़ा कम रहे। और हमें आज थोड़ा बाज़ार की तरफ भी जाना है घर के कुछ सामान लेने के लिए। इस वक्त 3:10 हुए हैं और हम अपने नए घर के नियरेस्ट बाज़ार आ चुके हैं जो कि माशाल्लाह बहुत बड़ा है। फर्स्ट टाइम देखा है, फर्स्ट ट्राई किया है। और जुनैद के लिए हेयर कलर भी लेना था, वो भी हमने ले लिया है। यहाँ से मुझे फ़िलहाल तो खैर सब्ज़ी वगैरह परचेज़ करनी थी, वो हमने परचेज़ की है और यहाँ पर जुनैद अब पेमेंट कर रहे हैं। बैक टू होम असर हो रही है। हाँ 2 महीने बाद, पूरे ढाई महीने बाद 20 फरवरी को निकली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैक टू होम अल्हम्दुलिल्लाह, जो थोड़ा बहुत लेना था वो ले लिया है। अब अपने किचन के काम। जी व्यूअर्स, ये है थोड़ा सा व्लॉग, नेक्स्ट व्लॉग आपको मिलता ही रहेंगे। फिलहाल तो चैनल नए पे नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके बताएं व्लॉग कैसा लगा।